नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ओम राउत के निर्देशन में बन रही फिल्म आदि पुरुष का टीजर 2 अक्टूबर के दिन रिलीज हुआ था, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट की मांग उठ रही है। दरअसल फिल्म में रावण का रोल निभा रहे सैफ अली खान के लुक को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा है। आदि पुरुष के टीजर के केवल दर्शक ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के बड़े सितारे भी आलोचना कर रहे हैं। अब हाल ही में सुपरहिट पौराणिक धारावाहिक महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले एक्टर पुनीत इस्सर का आदि पुरुष में सैफ अली खान के लुक पर रिएक्शन आया है। पुनीत इस्सर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, फिल्म मेकर को कभी भी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेकर्स को फटकार लगाते हुए पुनीत इस्सर ने सवाल करते हुए कहा, रावण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, उससे बड़ा महान शिव भक्त कोई हुआ ही नहीं। उसने शिव तांडव स्रोत की रचना भी की थी, अगर उसके माथे पर तिलक नहीं लगा हो तो वो रावण कैसे बन गया। पुनीत इस्सर केवल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने मेकर से हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर सवाल करते हुए पूछा, मैं मेकर से पूछना चाहूंगा कि क्या उनमें क्षमता है कि वो सिख गुरुओं को बिना मूछ के दिखा सकते हैं या फिर जीसस क्राइस्ट को क्लीन शेव में दिखा सकते हैं, तो फिर रावण के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं पुनीत इस्सर ने सैफ अली खान के रावण लुक की तुलना अलाउद्दीन खिलजी और तैमूर से करते हुए कहा, आदि पुरुष में सैफ अली खान का लुक बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी और तैमूर जैसा लग रहा है। मैं तो कहूंगा कि जनता में फिल्म को लेकर जो गुस्सा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। पुनीत इस्सर ने आदि पुरुष के किरदारों के लुक पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि टीजर में भगवान राम को मूछ दी हुई है, वहीं रावण को स्पाइक्स लुक दे रखा है, आप रावण को तालिबानी लुक क्यों दे रहे हैं। कुछ भी कहो, पुनीत इस्सर ने फिल्म मेकर से लेकर एक्टर्स तक को जमकर धोया। क्या आपको लगता है कि पुनीत इस्सर की नाराजगी सही है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।